नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट डेड प्लेनेट का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज हमारी डिजिस्ट की सीरीज के बाद शुरू होती है, और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना, मेरे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो गाइस बेसिकली इस सीरीज में एंटी लाइफ नाम का वायरस डार्कसाइड के कारण अर्थ पे फैल गया था, जिसके कारण जो भी इंटरनेट को एक्सेस करता है वो इस वायरस का शिकार होता है, और इसी के चलते बहुत सारे हीरोज मारे गए। इसलिए बचे हुए हीरोज सर्वाइवर्स को लेकर अर्थ 2 पे चले गए। तो अब आगे रेड गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि हमने बहुत कुछ खोया है, हमने अपने हीरोज खो दिए और हमने अपनी दुनिया खो दी। अब तक इतना खोने के बाद हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसा हमें लगता था, लेकिन हम गलत थे। तभी हमें ओब्लिवियन बार दिखा देता है, जहां पर कॉन्स्टेंटिन ड्रिंक कर रहा था। तभी कॉन्स्टेंटिन के पीछे पोर्टल खुलता है और उसमें से झटाना बाहर आती है और कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि बहुत हो गया जॉन, तुम्हारी तरह यह दुनिया डिप्रेस्ड है, तुम्हें अब और ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। यह कहते हैं कॉन्स्टेंटिन को दिखा देता है कि वहाँ पर बिग ब्राडा, स्कॉट फ्री, मिस्टर टेरिफिक, ब्लू बीटल और पुष्टा गोल बैठे हैं। तभी हमें वो इंसिडेंट दिखा देता है जहाँ पर वंडर वुमन ने इन्फेक्टेड होकर साइबॉर्ग को मार डाला था, और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि जॉन कॉन्स्टेंटिन सैक्रिफाइस करने वालों में से नहीं है, बल्कि उनमें से है जो दूसरों को सैक्रिफाइस करता है। लेकिन साइबॉर्ग सैक्रिफाइस करने वालों में से है, वो खुद पीछे रह गया ताकि सर्वाइवर्स इस अर्थ के बाहर चले जाए। और तब उसे पता चला कि वायरस का तोड़ उसके पास है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके वंडर वुमन ने उसे मार डाला, और यहीं पर साइबॉर्ग की कहानी खत्म हुई। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन साइबॉर्ग मरा नहीं है, वो हर पल इसी खोज में था कि इस वायरस का तोड़ क्या है। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम साइबॉर्ग का सर देखते हैं जो अब भी जिंदा है। तभी साइबॉर्ग अपने अंदर ढूंढने लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो उसके काम का होगा, और तब उसे खुद के अंदर एमरजेंसी सिग्नल मिलता है जो बैटमैन ने उसके अंदर छुपा के रखा था। तभी साइबॉर्ग वो सिग्नल एक्टिवेट करता है जो हर कहीं पर चला जाता है। यहाँ अर्थ 2 पे हम मेट्रोपोलिस देखते हैं, जिसके प्रेसिडेंट अब लोइस लेन है। तभी लोइस अर्थ 2 पे आए हुए एलियन से समझौता करने लगती है, लेकिन तभी अल्फ्रेड बैटमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि आपके ब्रीफकेस में से अलार्म बज रहा है। ये सुनते ही सारे हीरोज हॉल ऑफ जस्टिस पहुंच जाते हैं। तभी डेमियन सबसे कहता है कि जो अलार्म आप लोग सुन रहे हो वो मेरे पिता ने साइबॉर्ग के अंदर डाला था, और ये एक तरह का मॉर्स कोड है जिसका मतलब है JNL, यानी कि वो जस्टिस लीग को बुला रहा है। ये सुनते ही ग्रीन एरो कहता है कि ये ट्रिक भी हो सकती है, हो सकता है कि साइबॉर्ग इन्फेक्टेड हो गया हो और वो जानबूझ के हमें वापस बुला रहा हो ताकि हम मर जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम यही रहे। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहती है कि ओलिवर सही कह रहा है, लेकिन फिर सब लोग वोट करते हैं कि उन्हें साइबॉर्ग को बचाना चाहिए। तभी लोइस जॉन से मिलने आती है और कहती है कि तुम अर्थ पे जा रहे हो ना, जिस पर जॉन लोइस से कहता है कि हाँ हम जा रहे हैं, और तब तक ग्रीन लैंटर्न इस अर्थ की रक्षा करेंगे, हम लोग जाके जल्दी साइबॉर्ग को ले आएंगे। जिस पर लोइस जॉन से कहती है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, जिस पर जॉन कहता है कि साइबॉर्ग हमारा दोस्त है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। जिस पर लोइस कहती है कि ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना सुपरमैन। जिस पर जॉन लोइस से कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। यह ग्रीन एरो ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि हमने बहुत से लोगों को खोया है, जैसे कि बेरी, डायना, क्लार्क, आर्थर, मार्शन और ब्रूस, और अब हम फिर से मरने नहीं जा सकते हैं। जिस पर ग्रीन लैंटर्न ओलिवर से कहती है तुमने भी तो वहां जाने के लिए वोट दिया था ना। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि हाँ मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था कि मेरे से छोटे वहां मरने जा रहे हैं। जिस पर ग्रीन लैंटर्न ओलिवर से कहती है कि तुम्हें यही रहना चाहिए, तुम्हारे बदले मैं जाती हूँ। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि नहीं, हमें साथ में रहना चाहिए। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहती है कि नहीं, मैंने बहुत लोगों को खोया है, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन तभी ओलिवर ग्रीन लैंटर्न को शांत करता है।
तभी ग्रीन लैंटर्न ओलिवर से कहती है कि मेरे पास ये रिंग है और मेरे पास चिल्लाने की पावर भी है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। ये कहते ग्रीन लैंटर्न ओलिवर को वंडर वुमन की तलवार देती है, जो वंडर वुमन ने गॉड की पावर और क्रिप्टोनाइट से बनाई थी। यह सीन शिफ्ट होती है और हम जॉन, ग्रीन लैंटर्न और वंडर गर्ल को देखते हैं, जो सन के पास आते हैं, क्योंकि सन के अंदर अभी तक सुपरमैन है। तभी उन तीनों को वहां पर किलवॉक दिखाई देता है, जो उस सन पर ध्यान रखे हुए था। तभी ग्रीन लैंटर्न किलवॉक से पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, जिस पर किलवॉक कहता है कि हम लैंटर्न्स यहां रोटेशन में रहते हैं ताकि हम सन पर ध्यान रख सके। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि सन में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि सन के अंदर अब भी सुपरमैन उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तभी वे सब लोग देखते हैं कि अर्थ से कोई उनकी ओर आ रहा है, और तब किलवॉक की रिंग बताने लगती है कि उनकी ओर तेजी से कोई आ रहा है। ये सुनते ही किलवॉक और ग्रीन लैंटर्न सबके आसपास शील्ड बनाते हैं, लेकिन तभी कोई उस शील्ड को तोड़ के अंदर आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि क्रिप्टो था, जो आके सीधा जॉन से लिपट जाता है। तभी क्रिप्टो को देखकर जॉन बहुत खुश होता है। ये देखकर किलवॉक जॉन से पूछता है कि क्या तुम इस जानवर को जानते हो, जिस पर जॉन किलवॉक से कहता है कि हाँ, ये मेरी फैमिली है, जिस पर बैटमैन कहता है कि चलो बहुत हो गया मिलाप, अब काम पे लगते हैं। उसके बाद हम हीरोज को देखते हैं, जो अर्थ पर साइबॉर्ग का सिग्नल ढूंढते हुए आए थे। तभी ग्रीन एरो वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है ये ढूंढने लगता है, और बाकी सबसे पूछता है कि क्या तुम्हें साइबॉर्ग मिला। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न को साइबॉर्ग नजर आता है, और वो कहती है कि मुझे यहाँ पे साइबॉर्ग मिल गया है। तभी सब लोग साइबॉर्ग के सर के पास आते हैं, और तब ग्रीन लैंटर्न साइबॉर्ग से पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन विक्टर कोई जवाब नहीं देता है। तभी वंडर गर्ल पास में पड़ी हुई लैसो उठाती है और ग्रीन लैंटर्न से कहती है कि ये लैसो ऑफ ट्रुथ है, इसका इस्तेमाल करना होगा। ये कहते वंडर गर्ल वो लैसो साइबॉर्ग पे बांधती है, जिसके कारण साइबॉर्ग जग जाता है। तभी जॉन साइबॉर्ग से पूछता है कि तुमने जस्टिस लीग को बुलाया था ना, इसीलिए हम आ गए, जिस पर साइबॉर्ग कुछ कहने लगता है, लेकिन जॉन को वो बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ हॉक गर्ल ऊपर उड़ते हुए सबसे कहती है कि पास में ही इन्फेक्टेड लोग हैं, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि ये इन्फेक्टेड कुछ पलों में यहाँ आ जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हैं जॉन साइबॉर्ग का शरीर लेकर जाने लगता है। तभी ग्रीन लैंटर्न कहती है कि ओलिवर सही कह रहा है, यहाँ आसपास में ही पॉइजन आइवी का गौतम गार्डन है, हमें वही जाना होगा। लेकिन तभी साइबॉर्ग कहता है कि वो यहाँ आ रही है, जल्दी यहाँ से भागो। ये कहते ग्रीन लैंटर्न की रिंग खतरे का संकेत देने लगती है, इसलिए वे लोग तुरंत आर्क निकालते हैं। लेकिन तभी उनके आर्क पर कोई अटैक करता है, जिसके कारण वो आर्क पूरी तरह डैमेज हो जाता है और नीचे गिरता है, और वहां पर चारों ओर धुआं फैल जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो ओलिवर देखता है कि वो कहीं पर अकेला है, इसलिए वो ग्रीन लैंटर्न को बुलाने लगता है। लेकिन तभी ओलिवर के पीछे वंडर वुमन आती है और ओलिवर का सीना फाड़ कर उसे इन्फेक्टेड कर देती है। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि वंडर वुमन उस आवाज से कमजोर पड़ जाती है, तो वही ओलिवर पे वो इन्फेक्शन असर करने लगा था और वो अपनी स्किन फाड़ने लगता है। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न को गुस्सा आता है और वो वही तलवार उठाती है और वंडर वुमन के आंख में घुसाती है। या ये सब कुछ देखकर साइबॉर्ग कहता है कि ये रोको, लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न गुस्से में आकर अपनी रिंग से एक बड़ा हाथ बनाती है और उस हाथ से वंडर वुमन को जमीन में घुसाती है। या साइबॉर्ग कहता है कि ये रोको, मेरे पास क्योर है, लेकिन ये बातें वंडर गर्ल को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन साइबॉर्ग की बात जॉन सुन लेता है और वो ग्रीन लैंटर्न को रोकने जाता है, तो वही ग्रीन लैंटर्न गुस्से में आकर वो तलवार उठाती है और वो वंडर वुमन के पेट में घुसाने वाली ही थी कि तभी पीछे से जॉन आता है और ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि रुक जाओ, हम डायना को बचा सकते हैं। लेकिन तभी डायना उठने की कोशिश करती है, पर तब ग्रीन लैंटर्न वो तलवार उठाती है और वंडर वुमन के पेट में घुसाने वाली ही थी कि तभी बीच में जॉन आता है, जिसके कारण वो तलवार जॉन से होते हुए वंडर वुमन को लग जाती है और दोनों भी वहीं पर गिर जाते हैं। तभी वंडर वुमन उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन वंडर वुमन से कहता है कि हमारे पास अब इलाज है, हम ठीक कर सकते हैं, और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।